ए वीडियो रे आमे प्रोडक्ट ऑफ एड्रेस रे पढ़िया। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पूर्व फर्स्ट स्कालर विषय देखो माने स्कालर जा के मल्टीप्लाई कराई था जदि थ्री नियो फाइव नियो ये दुटा मल्टीप्लाई करो तो यहाँ फिफ्टीन आसो बा थ्री डॉट फाइव लेख यहाँ भी मल्टीप्लाई रो सिंबलटा यहाँ यहाँ फिफ्टीन आसो बा थ्री क्रॉस फाइव लेख यहाँ फिफ्टीन आसो। तो स्कालर केस रे कौन होची ना सिंपल मल्टीप्लिकेशन माने सिंबल भी न दियो फिफ्टीन लेखा होची डॉट दे फिफ्टीन क्रॉस दे फिफ्टीन होची। देखिए गोटे स्कालर नियो गोटे वेक्टर नियो जदि थ्री निला ए बार तो यहाँ आसो थ्री ए बार जदि नहीं थ्री डॉट ए बार यहाँ तो थ्री ए बार हम आदि थ्री क्रॉस ए बार लिखाई यहाँ भी थ्री ए बार हम। तो ये एक्चुअली ए जो क्रॉस डॉट एजार किसी मीनिंगलेस एजा एजा किसी ना सिंपल मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लाई कर ही लिखा जाए। नेक्स्ट हूँ दुटा वेक्टर नियो जदि ए गोटे वेक्टर अच्छी बी गोटे वेक्टर अच्छी ए दुटा वेक्टर को मल्टीप्लाई करिया। देखिए सिंपल मल्टीप्लाई कले कौन हो ए डॉट बी कले कौन हो क्रॉस बी कले कौन हो। तो ऊपर जो दुटा टाइप आम पढ़ले दुटा स्कालर हो कि गोटे स्कालर गोटे वेक्टर हो आमर सिंपल मल्टीप्लाई करा हो किंतु वेक्टर केस रे दुटा वेक्टर थिले इन सिंपल मल्टीप्लाई कले मीनिंगलेस एटा आर मीनिंग ही किसी ना आ डॉट बी कले ये कौन आसो यटा हूँ ए बी कॉस थीटा हम ए क्रॉस बी कले कौन आसो ए बी साइन थीटा आ गए एन कैप यहाँ आसता हूँ ये सब डायरेक्शनली कहु। तो आम तो ये फिजिकल क्वांटिटी उपर पढ़ता हूँ तो देखिए आम को फिजिकल क्वांटिटी आम डॉट कर फिजिकल क्वांटिटी क्रॉस कर कौन पर कॉस थीटा लिखाला आ कौन पर साइन थीटा लिखाला सेटा देखा पड़े है ये जो आसला कड़े बामिटा कराई आगुर है तो देखिए आम यहाँ तो तीन टा ए जो दुटा बुझापी तीन टा फिजिकल क्वांटिटी नियो बुझीपार गोटे मोमेंटम नियो आ गोटे वर्क नियो आ गोटे टॉर्क नियो है। तो मोमेंटम माने आम कौन जानसे तार मैथमेटिकल फॉर्मूला एम इंटु बी मास इंटु वेलोसिटी आउ वर्क माने कौन फोर्स इंटु डिस्प्लेसमेंट टॉर्क माने होची कौन रेडियस बा रेडियल वेक्टर जोड़ा अच्छे रेडियल वेक्टर इंटू फोर्स है इन दुटा थी ये कॉस थीटा साइन थीटा आम पर देखिए है फर्स्ट एति देखो माने आम एक्चुअली मोमेंटमटा मास और वेलोसिटी उपर कोटा रे डिपेंड करछि वर्कटा भी आपर केमी डिपेंड करछि देखिए एटा माने एटा केमी तयारी केमी कराई ए जे उपर हम देखछ छ हैला। तो मोमेंटम तो बहुत यूजफुल मोमेंटम को कौन यूज कर बहुत किसी फिजिक्स कौन आम बुझीपे मतलब मोमेंटमटा कि बुझा तो मोमेंटमटा बुझापी फास्ट मोमेंटमटा मैंने मैथमेटिकल तो ये लिखाई डेफिनेशन लिखले कौन मोमेंटम बुझीपु कमी जो ये लिखा हे तो यहाँ हूँ कौन मोमेंटम टेल्स यू हाउ डिफिकल्ट टू स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। मोमेंटम रो मीनिंग कौन गोटे मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करिया पई जी डिफिकल्ट होची सेटा मोमेंटम बोली कह गोटे एग्जाम्पल नियो गोटे एग्जाम्पल नियो गोटे कार अच्छी आ गए ट्रक अच्छी दीटा सेम वेलोसिटी जा तो भाव टी गोटे कार अच्छे गोटे ट्रक अच्छी दीटा सेम वेलोसिटी जा तुम आगे स्टॉप करने ट्राए कर तो भाव कौटा बेसी डिफिकल्ट हम तो सियोर यहाँ ट्रकटार कौन हम बेस डिफिकल्ट हम कहीं ट्रक्र मास अधिक था कार मास कम था तो वेलोसिटी सेम हेले ट्रकटा स्टॉप करने बेस डिफिकल्ट हम तो ये कौन जना पड़ा ना आम जो मोमेंटम कार अधिक अच्छी ट्रक्र अधिक अच्छी तो यहाँ ये जना पड़ा ना नहीं मोमेंटमटा कि मास डिपेंड कर देखा आउ गए एग्जाम्पल देख सेकेंड एग्जाम्पल देख दुटा कार अच्छी गोटे कार आ गोटे कार अच्छी दुटा जार मास सामान दी आ दुटा जार डिफरेन्ट वेलोसीटी अच्छी आर भि वन ग्रेटर अच्छी आर भि टूटा कम अच्छे तो गोटे कार रो दुटा जार कार रो मास सामान अच्छी आर वेलोसीटी अधिक अच्छे आर वेलोसीटी कम अच्छे। तो ये तुम भाव टे को कार टा स्टॉप करने बेस डिफिकल्ट हम तो देख ये फास्ट कार रो वेलोसीटी अधिक अच्छे ना नहीं तो स्टॉप करने डिफिकल्ट हम तार्थ यार मोमेंटम अधिक अच्छी यार मोमेंटम कम अच्छी तो यार कौन जना पड़ा आमर जो मोमेंटम अच्छी सेटा वेलोसिटी उपर डिपेंड कर
तो जार मास अधिक मोमेंटम अधिक होइथियो, जार वेलोसिटी भी अधिक तार मोमेंटम अधिक होइथियो, तो जोड़ार दुटा जा भी अधिक होइथियो मोमेंटम पूरा अधिक होइथियो, आ जोड़ार दुटा जा कम होइथियो तार मोमेंटम कम होइथियो। आ गोटे छोट छोट एग्जांपल नहीं पार बुलेट, तुम दुटा जानथियो भलसे बुलेट केस रे कौन होता है, बुलेटा बहुत छोट होता है ना, बुलेट्र मसटा बहुत छोट होता है, हेले भी बुलेट्र मोमेंटम कौन होता है बहुत अधिक, कहीं बुलेट्र मसटा कम हेले भी वेलोसिटी बहुत अधिक होता है, तो बुलेट को आम रखापी जो ट्राए करा तो बहुत डिफिकल्ट हो ना। तापर नेक्स्ट हूँ कौन ट्रेन न्यू, ट्रेन रस अधिक बुलेट्र मस कम थी वेलोसिटी अधिक थी, ट्रेन केस रे कौन हो ट्रेन मास अधिक था वेलोसिटी जदि कम भी है रखा डिफिकल्ट है कहीं ट्रेन मसटा अधिक होता है, आउ आजिकल तो बुलेट ट्रेन भी बाहर से रखा भी कष्ट है कहीं बुलेट स्पीड रे जियो ट्रेन अधिक मास था से कि छोट भाव तो जापार रियलाइज कर पार मोमेंटम मान कौन है, मोमेंटम मान गोटे ऑब्जेक्ट जदि मूव करके स्टॉप करने डिफिकल्ट तो सहीटा से प्रॉपर्टीटा मोमेंटम दूसरे मास आ वेलोसिटी पर डिपेंड कर। सीन सेकेंड देख वर्क, वर्क माने कौन वर्क हूँ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, गोटे फोर्स द्वारा कितनी आम एनर्जी ट्रांसफर है सेटा कह वर्क है, तुम इन कौन जे वर्क माने देख तुम्हें मन किसी लिखुच आजिकल जान नहीं पाठ पढ़ा बेसी डिफिकल्ट तो तुम कह मु बेसी आजिकल बेसी पाठ पढ़ु बेसी हार्डवर्क करुच्छी तो सहीटा वर्क के लिए कहुनि, तुम बेस लिखुच से मतलब हार्डवर्क कहुनि, तुम पाठ पढ़ा समय मेन्टाली बहुत तुम्हें वर्क करा पड़ी तो सहीटा मतलब वर्क ना, तो साइंटिफिकली वर्क मैंने कौन साइंटिफिकली डेफिनेशन अनुसार वर्क मैंने ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय ए फोर्स, गोटे फोर्स द्वारा कितनी एनर्जी ट्रांसफर है आईटा कौन, तो देखिए आम फोर्स आउ डिस्प्लेसमेंट पर कौ टाइप डिपेंड कर गोटे ऑब्जेक्ट रोड अच्छी, रोड अच्छी ये फोर्स गोटे अप्लाय कराला, फोर्स अप्लाय कले ये किसी डिस्टेंस यहाँ किसी डिस्प्लेसमेंट यहाँ मुव कला है, तो फोर्स अप्लाय करा द्वारा किसी गोटे एनर्जी ट्रांसफर है मनरे गाड़ी गोटे थी मुझे ठेली ठेलवा द्वारा कौन है मोर एनर्जी किसी ट्रांसफर है, ट्रांसफर होगा द्वारा कौन है ये डिस्प्लेस है डिस्प्लेस होगा द्वारा आम कौन है एनर्जी ट्रांसफर हो ना डिस्प्लेस कि तो सही कौन है ना किसी गोटे वर्क है, तो वर्क केस रे कौन ना एनर्जी ट्रांसफर होती है गोटे, तुम एवं कह गोटे वाल अच्छी घर वाल अच्छी तुम जाए सेम फोर्स पक वालटा तो डिस्प्लेस हेनी, तो एक केस रे वर्क है ना नहीं एक केस एक्चुअली वर्क किसी है कहीं एक केस कौन हो तुम जहाँ भी फोर्स पकेल उल्टा तुम गोटे फोर्स गोटे पड़ थो गोटे नर्माल रिएक्शन नहीं कि उल्टा तुम गोटे फोर्स पड़ थो, तो ये किसी भी वर्क है तुम एम कहपर ये किसी भी एनर्जी आम ट्रांसफर है उपर केस एनर्जी ट्रांसफर होता है एक केस एनर्जी किसी भी ट्रांसफर है तुम बात एनर्जी ट्रांसफर है तो गोटे कांथटा मन तुम बारंबार ठेलियो तुम बहुत समय जाए ठेलियो तुम हालिया हो ना तो से केस हालिया कहीं हो कहीं तुम जो मसल्स था कंट्राक्शन आउ कौन एक्सट्रैक्शन इन टाइप रही है जोटार कि कौन तुम मसल्स रे हीट प्रड्यूस होता है तुम हालिया से एनर्जी लॉस होता है तो एनर्जी सिस्टम को जाए वॉल को जाए एनर्जी तुम सराउंडिंग जाइए तुम नष्ट से तुम हालिया तो ये जो साइंटिफिक डेफिनेशन अनुसार कौन कहला वर्क डिफाइन किन करा ना वर्क माने ही हूँ कौन ना डिस्प्लेसमेंट होती है गोटे डिस्प्लेसमेंट नाला मैंने ऑब्जेक्ट के वर्क है डिस्प्लेसमेंट होगा बाध्य है तो नेक्स्ट जगह आमर एटा उपर केमी डिपेंड कर देख गोटे ऑब्जेक्ट अच्छी सेम फोर्स अप्लाय कराला किसी डिस्प्लेसमेंट गला यहाँ तो जब आम अधिक फोर्स अप्लाय कर था तो अधिक डिस्प्लेसमेंट होता है ना नहीं तो अधिक वर्क होता है तो जिते आम अधिक फोर्स अप्लाय करते आम वर्क हो तो फोर्स डिपेंड करते आमर जदि ये जो ऑब्जेक्ट नहीं था गोटे छोट ऑब्जेक्ट नहीं बड़ ऑब्जेक्ट ना छोट ऑब्जेक्ट नहीं सेम फोर्स अप्लाय कर देख ए केस डिस्प्लेसमेंट अधिक हो ना ये डिस्प्लेसमेंट अधिक आसला तो देख ये एफएस मल्टीप्लाय कले जी आस ये एफएस मल्टीप्लाय कले कौन आस अधिक आस तरह अधिक गोटे वर्क है तरह अधिक गोटे एनर्जी ट्रांसफर होगा तरह अधिक वर्क है तो ये जना पड़ा आम वर्कटा कौन डिस्प्लेसमेंट उपर ही डिपेंड कर नेक्स्ट हूँ टर्क उपर देख टर्क मान कौन टर्कटा बुझापी सब बेस्ट एग्जाम्पल हूँ तुम घरे जो कबाट थी कबाट भी नहीं पार कबाटा यहाँ तुम पर कबाट ना ये स्केल स्केल देख ये तो स्केल गोटे एक्सीस रख कबाटे भी सब एक्सीस था तो देख ये जो कबाटा अच्छी मो कबाटर
एज रे मुझे फोर्स ये पकेली तो ये सेम फोर्स पक आईटे सेम फोर्स पक है तो कौटे आमर मानते टर्क अधिक फास्ट टर्क डेफिनेसन कौन कहती मैंने टर्क मैंने तुम बुझ कौन टर्क मैंने इट इज द टेंडेंसी ऑफ ए फोर्स टू मेक रोटेशन अबाउट एन एक्सिस है टर्क मैंने कौन यहाँ हूँ गोटे प्रकार फोर्सटा गोटे आ फोर्स द्वारा आम कौन कर से फोर्स द्वारा आम कि रोटेट कर टेंडेंसी टू रोटेट है तो देख ये ये एक्सीटा अच्छी ये कबाटा अच्छी ये फोर्स एप्लाय कर ये फोर्स एप्लाय कर तो देखियो देख यूर यहाँ रेडियस कहुच्छे आम जिते दूर दूर जावा आम फोर्सटा एप्लाय कले कौन अधिक आम रोटेट हम जिते पाखे आम फोर्स एप्लाय कराया रोटेसन टा कौन से कमीज तार ये कौन हो टर्क अधिक होटे टर्क कम होटे टर्क कम होती मुझे एक्सीस पाखे पूरा नेबी तो मत कौन हम ना सेम फोर्स एप्लाय कर मैंने मोर रोटेसन टा बहुत कम हम तो ये जना पड़े आर मोर जिते अधिक हम सेत अधिक रोटेसन हम जिते अधिक अधिक नब से अधिक रोटेट हम नेक्स्ट कौन देख गोटे काम कर आर्ट अफ फिक्स रख कहीं एफ बुझे आर्ट अफ फिक्स रख जदि मुझ आर्टा ये फिक्स रखिली एवं कौन कर फोर्स होती डबल फोर्स देवी है ट्रिपल फोर्स देवी तो जिते अधिक फोर्स करण हम रोटेसन से बढ़ो तरह ये कौन जना पड़ा टर्कटा फोर्स डिपेंड करते अधिक फोर्स हम सेत अधिक रोटेसन हम है तो तीन टा जगह कनसेप्ट बुझला जे तीन टार मीनिंग कौन एबे देखो यहाँ आम भेक्टोरिकाली कमी देखिया नेक्स्ट शुण तीन टा जगह भेक्टर फॉर्म लिखिया पी इक्वल टू एम बी सेकेंड है डब्ल्यू इक्वल टू एफ भेक्टर एस भेक्टर मझे डॉट दिया होची टाओ इक्वल टू एटा डॉट कथा छाड़ दुटा भेक्टर अच्छी आर अच्छी आ गए एफ अच्छी दुटा भेक्टर अच्छे मोमेंटम केस रे कौन होची जदि आमर गोटे ग्राउंड रे गोटे बॉल गोटे अच्छी मुझे डिरेक्शन रे फोर्स एप्लाय कली एफ फोर्स एप्लाय कराला आर मासटा एन थिला ये ए डिरेक्शन कि गोटे वेलोसिटी गेन कला बा मोमेंटम गेन कला कह मन रो मोमेंटमटा पाँच वाली भाव पाँच मोमेंटम गेन कला तो पाँच सहित डिरेक्शन भी था डिरेक्शन में मुव कर सीम भाव सेम फोर्स मुझे डिरेक्शन एप्लाय कली ए डिरेक्शन में मोमेंटम फाइव गेन कला ए डिरेक्शन में सेम फोर्स एप्लाय कराला तो ये डिरेक्शन कौन हम फाइव मोमेंटम गेन कला तो सब जगह कौन जना पड़ा ना तुम जो डिरेक्शन भी फोर्स नौ चो मोमेंटमटा कौन हो मोमेंटम डिरेक्शन चेंज हो मात्र मोमेंटम मैग्नीट्यूड कौन चेंज हो पाँच ही आसा तो यहाँ गोटे टाइप रेट है वर्क केस कौन देख जदि आम ये अब्जेक्ट अच्छे ए डिरेक्शन में फोर्स मुझे एप्लाय कली यहाँ को इन रखी सिफ्ट कर दियो ये फोर्स एप्लाय कराला डिस्प्लेसमेंट यहाँ है यहाँ फोर्सटा ये डिस्प्लेसमेंटा तो फोर्सटा जब डिस्प्लेसमेंट डिरेक्शन में एप्लाय करा तो ये कौन हो वर्क आम आसो वर्क इक्वल टू एफएस यहाँ आसला कि गोटे भैल्यू गोटे मन आसला जहाँ भी आसला टेन एल हम मुझ कर फोर्सटा ए डिरेक्शन न दे सेम फोर्स जब ए डिरेक्शन दे लेंथ रे समान करियो होला एटा जदि फाइव सेंटीमीटर अच्छे फाइव सेंटीमीटर एटा फाइव न्यूटन जदि अच्छी एटा टू मीटर एटा डिस्प्लेस होता एबे सेम एटा फाइव न्यूटन एटा फोर्स निहला ए केस रे कौन डिस्प्लेसमेंट एटा कमी हो हला ने तो देखो ये कौन हो एबे जो आम एटा जो बाहर करिया देख ये जो फाइव न्यूटन फोर्स एप्लाय कराला यार कौन सेम कौन आम ये जो जहाँ भी अब्जेक्ट नहीं था कौन से डिस्प्लेसमेंट हम ना हम नहीं देख ये केस कौन कमी जो ना कहीं तुम गोटे दौड़ भी गोटे को भी गोटे अब्जेक्ट नियो दौड़ गोटे लग सीधा टाण आ गए क्रस लियो टाण देखिए उपर जो टाणी मैंने कौन हम तुम से डिस्प्लेसमेंटा से हेनी तो ये केस मुझे टाणी ना तो प्रोजेक्शन पक यहाँ पाँच जब अच्छी प्रोजेक्शन पकड़े पर चार ही है एंगल उपरे डिपेंड करा आगे शिखिया सुकिन बाहर करा तो एंगल हिसाब से चार ही है जब यहाँ और इमी यहाँ था तो ये जब प्रोजेक्शन ड्र करा ए पाँच रो ये तीन हो पाए इमी कर पूरा 90 डिग्री है तार प्रोजेक्शन बाहर कले के जीरो तो देख ये जदि किसी इनक्लाइंड हो तो आम प्रोजेक्शन टा कम पड़ी तेल जो आम ए डिरेक्शन में पाँच न्यूटन में जो टाँह तले देख ला बेलू कौन हो चार न्यूटन रो फोर्स ही बड़का होदी आउटे बेसी आम दूर नहीं तो एक केस रे कौन तीन न्यूटन रो फोर्स ही बड़का होती मैंने आम इफेक्टिव फोर्स ती ही बड़का होती पूरा 90 डिग्री हेल्ले कौन ए डिरेक्शन जीरो न्यूटन रो फोर्स बड़का होती तार तो कौन ये जो मोमेंटम केस रे कौन होता ना तुम जो डिरेक्शन नौ
ଡିରେକ୍ସନ ମୋମେଣ୍ଟମରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଥିଲା, ମାତ୍ର ମେଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ରେ କି ଚେଞ୍ଜ ହେଉନଥିଲା, ପାଞ୍ଚ ମୋମେଣ୍ଟମର ହିଁ ବଳକା ହେଉଥିଲା ମାନେ ଆସୁଥିଲା। ମାତ୍ର ଏ କେସ୍ରେ ୱାର୍କ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତି, ଏ କେସ୍ରେ ୱାର୍କଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମି କମି ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନରେ ଯଦି ନେଇଥାନ୍ତି ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ୱାର୍କ ହେଉଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଏଙ୍ଗେଲଟା ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ନେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ୱାର୍କଟା କମି କମି ଯାଉଛି। ତ ୱାର୍କର କିଛି ଗୋଟେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି ଆଉ ୱାର୍କର କିଛି ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି, ୱାର୍କର କିଛି ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି ହେଲା। ତ ଏଇଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟୁ ମିନିମମ୍ ଯାଏ ଏଇଟା ରେଞ୍ଜ କରୁଛି। ସେମିତି ଦେଖ ଟର୍କ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଟର୍କରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ, ଟର୍କରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ୍ସିସ୍ଟା, ମୁଁ ଯେତେ ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରି ଆଉ ଯଦି ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାରଲି ଯଦି ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲି ତ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାରଲି ଆପ୍ଲାଏ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟର୍କ ଦେବ। ଯଦି ମୁଁ ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଇନକ୍ଲାଇନ୍ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି, ଏଇଟା ଏକ୍ସିସ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯଦି ଏ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଫୋର୍ସ ପକାଇବି, ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କରିବି ନା ଏ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଫୋର୍ସ ପକାଇବି, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା, ଏଇଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟର୍କ ଦେଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଟର୍କଟା ଆମର କେତେ ଅଛି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅଛି, ଏ ଲାଷ୍ଟ କେସ୍ରେ ଟର୍କଟା କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି, ଟର୍କ ଟାଓ ଟାଓଟା ମିନିମମ୍ ଏଇଟା ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ତ ଦେଖ କ'ଣ ପାଇଁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ନା ନାହିଁ, ତମେ କବାଟର ସାଇଡ୍ ଆଡ଼୍ ଠେଲ ହେଲା, ତମେ ଜାଣିପାରିବ ବା ସାଇଡ୍ ଆଡ଼୍ ଏଇଟା ପୁରା ଜିରୋ ଡିଗ୍ରୀରେ ଠେଲ, ତ କୁଆଡ଼େ ଠେଲେ, ତମେ ଏପଟେ ଆଡ଼େ ଫୋର୍ସ ପକାଇଲେ କବାଟଟା କୁଆଡ଼େ ଆଗକୁ ଯିବ ନା କ'ଣ, କେବେ ବି ଯିବନି ହେଲା। ତ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିଲା ନା କିଛି ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଜିରୋ ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍, ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଉଛି, ଏଠି ୱାର୍କ ଟାଇପ୍ର କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଜିରୋ ଡିଗ୍ରୀରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଫୋର୍ସଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯାଉଛି, 90 ଡିଗ୍ରୀରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମିନିମମ୍ ହେଉଛି। ଟର୍କ ଟାଇପ୍ର କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା 90 ଡିଗ୍ରୀରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେଉଛି, 90 ଡିଗ୍ରୀରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍, ଆଉ ଜିରୋ ଡିଗ୍ରୀରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଜିରୋ ଡିଗ୍ରୀରେ ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରାହେଉଛି ତ ଟର୍କଟା କେତେ ହେଉଛି ନା ମିନିମମ୍ ହେଉଛି ଜିରୋ ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ତ ଏଯାକ ସବୁ ଭେରିଏବୁଲ୍ ହେଲା, ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ଟାଇପ୍ର ଏଇଟା ଫିକ୍ସ ଏଇଟା ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାହେଇଛି ନା ଆମର ଡବ୍ଲୁ ଇକ୍ୱଲ୍ କ'ଣ ଲେଖା ହେବ, ଏଫ୍ ଏସ୍, ଦେଖ ଏଇଟା ଏଇଟା ବୁଝିଦିଅ, ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟର ଡିରେକ୍ସନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଫୋର୍ସର ଡିରେକ୍ସନ୍। ତ ଫୋର୍ସର ଏଇଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ଏଇଠି ପକାଇବ, ଫୋର୍ସର ଇଫେକ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ ଏ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ କେତିକି ଅଛି, ଯଦି ଏଇଟା ଥିଟା ନିଆହେଲା ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ବେସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର, ଏଇଟା ହେଉଛି ହାଇଟ୍, କାଇଁ ଏତି ମେଜର କେତେ କରନ୍ତି କେତେ ଅଛି ଦେଖିବା, ଏଇଟା କେତେ ହେବ, ଥିଟା ଜାଣିଛେ, ବି ଜାଣିଛେ, ଏଚ୍ ଜାଣିଛେ, ପି ଜାଣିଛେ, ତ ଏ ଫୋର୍ସକୁ ଆ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଲେଖ, ଏଇଟା କେତେ, ଏଇଟା ହେବ ଏ ବି କୋଲ୍ଡ କେତେ ଆସିବ, ଏଚ୍ ବା ଇନ୍ ଲେଖିଦିଅ, କସ୍ତିଟା କେତେ ଲେଖ, କସ୍ତିଟା ହେଉଛି ବି ବାଇ ଏଚ୍ ହେବ, ତ ଏଚ୍ ଇ କୋଲ୍ଡ କେତେ ହେବ, ବି ବାଇ ବି ବାଇ କସ୍ତିଟା ହେବ, ନାଇଁ ଆମକୁ ବି ଦରକାର, ବି କୋଲ୍ଡ ଏଚ୍ କସ୍ତିଟା ହେବ, ତ ବି ମାନେ ଏଚ୍ କସ୍ତିଟା ହେଲା, ଏଚ୍ ମାନେ କ'ଣଟା, ଫୋର୍ସର ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ଟା, ତ ବି ହେଉଛି ଏଫ୍ର ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼, କସ୍ତିଟା ହେଲା, ବା ଆମେ ସିମ୍ପଲ୍ ଏଫ୍ କସ୍ତିଟା ଲେଖିପାରିବା, ସ୍କାଲାର ଫର୍ମ ତ ଲେଖୁଛେ, ତ ଏଇଟା ଏଫ୍ ନ ଲେଖି ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖା ହେବ, ଏଫ୍ କସ୍ତିଟା ଅଛି ଇଣ୍ଟୁ ଏସ୍ ଲେଖା ହେଲା, ବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଫ୍ ଏସ୍, ଏଫ୍ ଏସ୍ ଏଇଟା କସ୍ତିଟା ହେଲା। ତ ୱାର୍କଟା ବୁଝାପଡ଼ିଲା ନା ନାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏଫ୍ ଜାଗାରେ ଏଫ୍ କସ୍ତିଟା ନିଆହେଲା, କାହିଁକିନା ୱାର୍କ ଏ ଯେଉଁ ଏଫ୍ଟା ଯେଉଁଟା ଅଛି ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଯେତେ ଆମର ଅଧିକ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ସେଇଟା ଆମର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା କସ୍ କାହିଁ ନିଆହେଲା, ହଁ ଏଇଟା ମୁଁ କହିନି, କସ୍ କାହିଁ ଏଇଟା ନିଆହେଲା, କାହିଁକିନା କସ୍ର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭ୍ୟାଲୁ କେଉଁଠି ହେଉଛି ଜିରୋ ଡିଗ୍ରୀରେ, ତ ଦେଖ ଆମର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେଉଁଠି ଦରକାର, ଜିରୋ ଡିଗ୍ରୀ ଦରକାର, ମିନିମମ୍ କେଉଁଠି ହେଉଛି, ମିନିମମ୍ଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଉଛି ହେଲା, ତ କସ୍ର ମିନିମମ୍ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ, ଜିରୋ, ଯେଉଁଟାକି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଟାଇପ୍ର ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ କ'ଣ ନିଆହେଲା, କସ୍ ନିଆହେଲା। ଏଇଠି ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି, 90 ଡିଗ୍ରୀରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍, ଜିରୋ ଡିଗ୍ରୀରେ ମିନିମମ୍, 90 ଡିଗ୍ରୀ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମାନେ କିଏ ହେଉଛି ଦେଖ, କେଉଁ ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି ରେସିଓଟା 90 ଡିଗ୍ରୀରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେଉଛି, ସାଇନ୍ ଥିଟା, ସାଇନ୍ ଥିଟା ଆମ 90 ଡିଗ୍ରୀରେ କେତେ ହେଉଛି, ୱାନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍, ଆଉ ସାଇନ୍ ଥିଟାଟା ଜିରୋ ଡିଗ୍ରୀରେ କେତେ ହେଉଛି, ଜିରୋ ହେଉଛି ମିନିମମ୍ ହେଉଛି। ତ ଏ ଟାଇପ୍ର ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର, ସାଇନ୍ ଥିଟା ଦରକାର। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେବ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମର ଥିଲା ଆର୍ ଭେକ୍ଟର, ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଫୋର୍ସ ଯେଉଁଟା ପକା ହେଉଥିଲା ହେଲା, କିଛି ଯଦି ଆମର ଇନକ୍ଲାଇଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ଯଦି ଆର୍ଟା ଏ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ଫୋର୍ସଟା ଯଦି ଆମେ ଏ ଟାଇପ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛେ, ତ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫୋର୍ସର ଯଦି ଏଇଠି ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ଡ୍ର କରାହେଉଛି ତ ଏଇଟା କେତିକି ଆସିଲା, ତ ଏଇଟା ଫୋର୍ସଟା ଏଇଟା, ମାତ୍ର ତା'ର ଇଫେକ୍ଟିଭ ଫୋର୍ସଟା ଏଇଟା ଆସିବ, ତ ଏଇଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ ଲେଖା ହେବ, ଯଦି ଆର୍ ଆଉ ଏଫ୍ ଭିତରେ ଏଙ୍ଗେଲ୍ଟା ଯଦି ଥିଟା ନିଆହେବ, ଥିଟା ମାନେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ ନିଆହେବ, ତମ ଥିଟାଟା ପରେ ବୁଝା ହେବ ହେଲା, ପରେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟାରେ ଥିଟାଟା ମୁଁ ଦେଖାଇଦି, କାହିଁକିନା ତମ ଆଉ ଟିକେ କନସେପ୍ଟ କହିବାର ଅଛି ଯେ ଯଦି ଆମର ଏମିତି ଦୁଇଟା ଭେକ୍ଟର ଅଛି
ଏଇଟା ଏ ଅଛି, ଏଇଟା ବି ଅଛି, ତ ଏଇଟାକୁ ଥିଟା ନିଆ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମର ସେମ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଥିବ ଏମିତି, ହେଲା, ତ ଏ କେସ୍ରେ ଏଇଟା ଥିଟା ନିଆ ହେବନି, ଏ କେସ୍ରେ ଏଇଟା ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିକି ଥିଟା ନିଆ ହେଇଥାଉଛି, ହେଲା। ତ ସେମିତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭେକ୍ଟର ଅଛି, ଏଇଟା ଭେକ୍ଟର ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କଲେ, ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କଲେ, ଏଇଟା ଥିଟା ହେଲା ମାନେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଥିଟା ହେବ। ତ ଏଠି ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଥିଟା ଅଛି, ହେଲା, ଏଇଟା ଥିଟା ଅଛି, ଏଇଟା 90। ତ ଭାବ ଏଇଟା ଥିଟା, ଏଇଟା କେତେ ଆସିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବେସ୍ଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ହାଇପୋଟାନସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର। ତ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାରଟା କେତେ ଆସିବ, ସାଇନ୍ ଥିଟା କେତେ ବାହାର କର, ପି ବାଇ ଏଚ୍। ତ ପି କେତେ ଆସିବ, ଏଚ୍ ସାଇନ୍ ଥିଟା ହେବ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଏଚ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଏଫ୍ ସାଇନ୍ ଥିଟା, ତ ଏଇଟା ଆସିଲା ଏଫ୍ ସାଇନ୍ ଥିଟା। ତା ମୁଁ କ'ଣ ଦରକାର, ଆର୍ ଦରକାର, ଏଫ୍ର ଇଫେକ୍ଟିଭ ଫୋର୍ସଟା କେତେ ଦରକାର, ତ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଫୋର୍ସଟା ଏଫ୍ ସାଇନ୍ ଥିଟା ମିଳିଲା। ତ ଟର୍କ ମାନେ କେତେ ଆସିଲା, ଏଫ୍ ଜାଗାରେ ଏଫ୍ ସାଇନ୍ ଥିଟା ଲେଖା ହେବ, ଏଠି ଆର୍ ଲେଖା ହେବ, ତ ଏଇଟା ଆସିଲା ଏଫ୍ ଆର୍ ସାଇନ୍ ଥିଟା ଆସିଲା, ହେଲା। ତ ଏ ସବୁ ଡିସ୍କସନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା କିଛି ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ରୁ ମିନିମମ୍ ହେଉଛି, ସେ ଟାଇପ୍ର କେସ୍ରେ କସ୍ ଥିଟା ନିଆ ହେବ। କିଛି ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମିନିମମ୍ରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେଉଛି, ହେଲା, ମାନେ 0 ଡିଗ୍ରୀରେ ମିନିମମ୍ ହେଉଛି, 90 ଡିଗ୍ରୀରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେଉଛି, ସେ କେସ୍ରେ ସାଇନ୍ ଥିଟା ନିଆ ହେଉଛି, ହେଲା। ତମେ ଆହୁରି ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମନେ ପକାଅ, ମାନେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଏମିତି ହେଇପାରିବ, କେଉଁଟା କେଉଁଟା ଏ ଟାଇପ୍ର ନିଆ ହେଉଛି ଆଉ କେଉଁଟା କେଉଁଟା ଏ ଟାଇପ୍ର ନିଆ ହେଉଛି, ଦୁଇଟା ମନେ ପକାଅ, ହେଲା। ତ ଦେଖ ଏଇଟା ଯେଉଁ ୱାର୍କ ଡାଉନ୍ ଆସିଲା, ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଫ୍ ଏସ୍ କସ୍ତରେ ଆସିଲା, ଏଇଟାକୁ ସର୍ଟକଟ୍ଲି କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା, ଏଫ୍ ଡଟ୍ ଏସ୍ ଲେଖା ହେଲା। ଏଇଟା ପରେ ଏଇଟା ସିମ୍ବଲ ଖାଲି ତିଆରି କରାହେଲା, ଆମେ କିନ୍ତୁ ସହଜରେ ଲେଖିପାରିବା, ହେଲା। ସେମିତି ଟର୍କ ମାନେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା, ଟର୍କ ମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲା ଆର୍ ଏଫ୍ ସାଇନ୍ ଥିଟା ଥିଲା, ଏଇଟା ଲେଖାହେଉଛି ଆର୍ କ୍ରସ୍ ଏଫ୍ ଲେଖାହେଉଛି, ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଏଇଟା ସ୍କାଲାର କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି, ଏଇଟା ଭେକ୍ଟର କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ୱାର୍କଟା ଆମର ସ୍କାଲାରଟା, କାହିଁକିନା ୱାର୍କ କ'ଣ, ୱାର୍କ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ୱାର୍କଟା ସିମ୍ପୁଲ ଏଇଟା ଖାଲି ଏନର୍ଜି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ଟା, ହେଲା, ଏ ଯେଉଁ ୱାର୍କ ଏଇଟା ଅଛି ଏଇଟା ସିମ୍ପୁଲ ଏଇଟା ଏନର୍ଜି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଯାଉଛି। ତ ତମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ଏ ଅବଜେକ୍ଟରୁ ତମେ ଏଇଠି ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କର, କିଛି ଡିସପ୍ଲେସ୍ ହେଲା, ବା ନହେଲେ ଅବଜେକ୍ଟଟା ଏଇଠି ଅଛି, ତମେ ଏ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କର, ଏ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଯଦି ଏଇଟା ଡିସପ୍ଲେସ୍ ହେଲା, ତ ଏଇଟା ସିମ୍ପୁଲ ଖାଲି ଏନର୍ଜି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଉଛି, ତ ଏଠି ଡିରେକ୍ସନ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁନି, ଏନର୍ଜିର କେବେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ନଥାଉଛି, ହେଲା। ହଁ, ହାୟର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଲୋୟର୍କୁ ଏନର୍ଜି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଥାଉଛି, ବଟ୍ ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ନର୍ମାଲି ଏଇଠି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ତ ଲେଖା ହେଲା ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଫ୍ ଏସ୍ କସ୍ ଥିଟା, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସର୍ଟକଟ୍ଲି ଲେଖା ହେଉଛି ଏଫ୍ ଡଟ୍ ଏସ୍, ଏଇଟା ସିନ୍ ଲେଖା ହେଲା ଟାଓ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆର୍ ଏଫ୍ ସାଇନ୍ ଥିଟା ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଲେଖାହେଉଛି ଆର୍ କ୍ରସ୍ ଏଫ୍ ଲେଖାହେଉଛି, ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ହେଲା, ଡଟ୍ ମାନେ କସ୍ ଥିଟା ହେବ, କ୍ରସ୍ ମାନେ ସାଇନ୍ ଥିଟା ହେବ, ଏଇଟା ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ଦରକାର, ତ ସେଇଟା ଦେଖି ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ୍ ଗୋଟେ ଦିଆହେଲା, ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଏଇଟା ଯେଉଁ ଏଇଟା ଲେଖାହେଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ଏଫ୍ଟା ଗୋଟେ ସ୍କାଲାର, ଏସ୍ରେ ଗୋଟେ ସ୍କାଲାର, କସ୍ରେ ଗୋଟେ ସ୍କାଲାର, ତ ୱାର୍କ ଡାଉନ୍ରେ ଗୋଟେ ସ୍କାଲାର ହେବ, ମାତ୍ର ଏ କେସ୍ରେ ଗୋଟେ ଏନ୍ କେବଲ୍ ଲେଖାହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଡିରେକ୍ସନ୍ଟା ଟର୍କର ଡିରେକ୍ସନ୍ ଥାଉଛି, ହେଲା, କାହିଁକିନା ୱାର୍କ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଥାଉଛି, ତମେ ଯଦି ଅବଜେକ୍ଟଟା ଅଛି ଏଇଟା, ଅବଜେକ୍ଟକୁ ଏଇଠି ନିଅ, କିଛି ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କର, ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଏଇଟା କିଛି ଡିସପ୍ଲେସ୍ ହେବ, କିଛି ଏନର୍ଜି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଲା, ବା ଅବଜେକ୍ଟ ଆମର ଏଇଟ୍ ନାଇଁ, ଏଇଟ୍ ନଥାଇକି ଏଇଠି ବି ଥାଆନ୍ତା, ଏଇଠି ଫୋର୍ସ ଏଇଟା ଏଇ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କର, ଯଦି ଏପଟେ ମୁଭ୍ ହେଇପାରୁଛି, ତ ସେମ୍ ଫୋର୍ସ ସେମ୍ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟରେ ଆମର କ'ଣ ହେବ, ଏଇଠି ଯେତିକି ଏନର୍ଜି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବ, ଏଇଠି ସେତିକି ଏନର୍ଜି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବ, ହେଲା। ଯଦି ଏପଟେ ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରାହେଲା, ଏ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଯଦି ଡିସପ୍ଲେସ୍ ହେଲା, ତ ସେମ୍ ଏନର୍ଜି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବ, ତ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ସେ ଅବଜେକ୍ଟଟା ତୁମେ ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛ କର, ତୁମର ସେମ୍ ଏନର୍ଜି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବ, ତା ଅର୍ଥ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ୱାର୍କଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ବା ଏନର୍ଜି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ଟା ଆମର ଡିରେକ୍ସନ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁନି, ଫୋର୍ସ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ୱାର୍କଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ଡିରେକ୍ସନ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁନି, ସେଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଟା, ହେଲା। ମାତ୍ର ଟର୍କ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଦେଖ ଆମର ଯେଉଁଟା କବାଟଟା ଥିଲା, ମୁଁ ଯଦି ଏ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଯଦି ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କଲି, ତ ଦେଖ କବାଟଟା ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ରୋଟେଟ୍ ହେବ, ଯଦି ଏଇଟା କବାଟ ଅଛି, ମୁଁ ଯଦି ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କଲି, ତ ଏ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ରୋଟେଟ୍ ହେବ, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା, ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ରୋଟେଟ୍ ହେଇଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି, କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ରୋଟେଟ୍ ହେଇଛି, ତାର ଏକ୍ସିସ୍ ଏବାଉଟ୍ରେ, ଏବାଉଟ୍ ଇଟ୍ସ ଏକ୍ସିସ୍ରେ, ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଫୋର୍ସର ଡିରେକ୍ସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ନା କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କ'ଣ କରାହେଉଛି, ନା ଯେଉଁଟା ଆମର ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ନିଆହେଉଛି, ଡିରେକ୍ସନ୍ଟା ଆମର ଅପୱାର୍ଡ଼ ନିଆହେଉଛି, ଯେଉଁଟା କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଆମର ଡାଉନୱାର୍ଡ଼ ନେଇଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ସେ ପ୍ଲେନ୍ ଆମେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ନେଇପାରିନି। ଦେଖ ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁଟା ରୋଟେଟ୍ ହେଲା, ଏ ପଏଣ୍ଟଟାରେ ତ ଡିରେକ୍ସନ୍, ପ୍ରତି ପଏଣ୍ଟରେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ତ
तो एमती गोटे किसी या पड़ो जिनकी तरह डिरेक्शन दब तो टर्क दुईटा ही डिरेक्शन अच्छी गोटे से जो प्लेनटा को अपवर्ड हम जो आंटी क्लक वाइज बुल्च जो प्लेनटा जो क्लक वाइज जब मुव कर तो डाउनवर्ड मुव मैंने तार डिरेक्शन टर्क डाउनवर्ड हम है आपवर्ड डाउनवर्ड यहाँ कौटी देखिए नहीं आमर जो स्क्रू है जदि स्क्रू गोटे अच्छी स्क्रू अच्छे स्क्रू तुम जान थो जदि आम क्लक वाइज जो बुलाया मैंने डाउनवर्ड हम आदि आंटी क्लक वाइज बुलाया मैंने अपवर्ड हम है धीरे धीरे बाहर बाहर ना तुम कौटा भी तुम देखे तुम घर जो डाबा जहाँ थी तार जो कैप था कैपटा आंटी क्लक वाइज बुलाइले उपर उठ क्लक वाइज बुलाइले डाउनवर्ड हम है तरह टर्कटा आम उपर डिरेक्शन पड़ चुकी आंटी क्लक वाइज आउ क्लक वाइज तुम जो फोर्स पकोस टर्क पकोस तो डिरेक्शन डाउनवर्ड था तो सहीटा देखिए दिखाई है मैंने यहाँ मिनिंग हूँ यहाँ रेजल्टेंट रेजल्टेंट कौट हम रेजल्टेंट गोटे केस अपवर्ड हो रेजल्टेंट गोटे केस डाउनवर्ड हो जोटा मैं आंसर आसला तुम्हें तो फोर्स पकेल ए डिरेक्शन ए डिरेक्शन फोर्स पकेच रेडियाल ए डिरेक्शन फोर्स पकेल मैंने ए डिरेक्शन रेडियालटा अच्छे मात्र टर्कटा कौन अच्छी टर्क रेजल्ट हो अपवर्ड खापड़ा जो खुल मैंने से उपरू उपरू उठा ट्राए कर तो रेजल्टा होटा है तो ये सब कह मिनिंग थी सब आसू से जानवाक चाहते है तुम यहाँ हेल्थ तो पढ़ी थी पार फर्स्ट ईयर हेल्ले भी कौट आसी सब कहली कस्टा कहीं लिखा हो सैंतीटा कहीं लिखा हो क्रस कहीं गोटे एनकेप दिखाई यह सब कहीं तैयारी कराई है तो एमती बहुत सारा फिजिकाल क्वांटिटी अच्छी जोटा कस्टर आसा कौन निहब डट्रे निब आ जो गोटे सैंतीटा उपरे डिपेंड कर कौन निया क्रस निया है ओके तो ये सब केस रु कौन जान लो स्कालर को सिंपल मल्टीप्लाई करा स्कालर और वेक्टर को सिंपल मल्टीप्लाई करा जदि दुईटा वेक्टर दिखाई तो सिंपल के मल्टीप्लाई करा हेनी हेल तो मझे डॉट दिया हम हेल तो मझे क्रॉस दिया हम जदि डॉट दिहला यार वैल्यू आसो ए मैग्नीच्यूड बी मैग्नीच्यूड कॉस थीटा जदि क्रॉस दिहला यहाँ ए मैग्नीच्यूड बी मैग्नीच्यूड साइन थीटा सहित यहाँ को टाइप केस डिरेक्शन टाइप रहा ये डिरेक्शन एट सियोर थी गोटे तो ये देख ये मैग्नीच्यूड मैग्नीच्यूड एट मैग्नीच्यूड ये पूरा स्कालर टाइटा से कह स्कालर प्रोडक्ट ऑफ दि टू वेक्टर बा डॉट प्रोडक्ट बोली कह एट देख मैग्नीच्यूड आसी तरह डिरेक्शन भी आसी तो यहाँ को कहूँ क्रॉस प्रोडक्ट बा वेक्टर प्रोडक्ट बोली कह क्रॉस दिए क्रॉस प्रोडक्ट बा आंसर टा वेक्टर आसी से वेक्टर प्रोडक्ट बोली कह है।